तो समझ गया ना आरव कि तुझे क्या करना है। हाँ बाबा मुझे पता है कि प्रकृति मिश्रा तेरी दोस्त है, इससे तो तुझे सारा प्लान पता है। और हाँ एक और बात, मैं वहां आ रही हूँ और मुझे प्लान में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, जैसा बताया है वैसे ही करना, ठीक है? चल भाई, थैंक्स। इस पार्टी के खत्म होने तक विराट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसका अमृता के पास रहना उस लड़की के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा, हम अमृता का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात आज विराट के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सो मिशन अमृता गॉन इज ऑन। कहा था ना तुमसे मुझे हराने की कोशिश करोगी तो अपना सब कुछ हार जाओगे तुम अमृता। वाओ क्या पार्टी है आई, ऐसा तो फिल्मों में होता है ना। आप आईची कढ़ाई से? हाँ बोल ना, बोल नाम, नाम बोल। भवानी चिटनेस, ये मेरी बेटी अमृता चिटनेस, इनकी कंपनी आईची कढ़ाई। हेलो मैम, आइए किचन इस तरफ। इतने सारे लोग आए ना, विराट ने जो कार्ड दिए थे वो काम आएंगे ना। अभी आई तू तो फेमस हो गई, तू तू ना मुझे अपना असिस्टेंट बना ले। हाँ अरे भवानी का असिस्टेंट नहीं यहाँ पर है, इधर है। तू ना अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, डॉक्टर बनने चला है। ये क्या बात है? ये दाल बात है। आई तू तुम दोनों ना चुप रहो और पापा से प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब सब कुछ सही होगा क्योंकि विराट सर ने ठान लिया है कि कुछ गलत वो होने नहीं देंगे। मैं जाके किचन चेक करती हूँ, जल्दी आओ। सुना तूने, विराट ने कहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब चंगा ही होना है। चल आ। सब सामान निकाला ना। हाँ, हाँ। काम बांट लेते। हाँ। मैं ना मैं पहले वड़ा तलती हूँ, तब तक तू ना पाव को चटनी लगा के तैयार रख। हाँ और हर्षू हाँ? तू यही रहे, मुझे कुछ लगेगा तो मैं बोलूंगी तुझे। ओके डन डन। भवानी मैं सोच रही हूँ मैं ना दूसरी कढ़ाई में तेल लगा के भजिया तल लेती हूँ। हाँ मतलब वड़ा और भजिया साथ जाएंगे। हाँ अच्छा ये ले, ये हुई ना टीम वाली बात, जो भी करते एकदम साथ साथ करते हैं, वो आई और यू की तरह अलग अलग। आई और यू के बीच में क्या है अमृता, कुछ दिन दे दो मुझे, एक बार फिगर आउट कर लिया ना कि आई और यू के बीच में क्या है, तो शायद तुम्हें तुम्हारी आजादी मिले ही ना। वैसे बात तो सही कह रहा है हर्ष, है ना? फोकस अमू फोकस, इन सब बातों पे अभी ध्यान नहीं देना। उसके बारे में सोच रही है? नहीं, नहीं मैं क्यों सोचूंगी विराट सर के बारे में, मैं प्लेट साफ कर रही हूँ। तूने विराट का नाम क्यों लिया? मैंने तो नहीं लिया। चलो भाई काम पे लगते हैं। ये ना आज मुझे ना वो सफेद लंबी टोपी वाले वालों फील आ रही है, क्या बोलते हैं उसको? अरे शेफ बोलते हैं उसको, शेफ। शेफ वाली फीलिंग आ रही है और इसी बात पे सेल्फी लेते हैं। आजा 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 आ आ। बस माइंड कर ले। तेरी पहली हैपनिंग वाली पार्टी। यस चलो चलो। हाँ हाँ भाई हाँ हाँ।
क्यों नहीं गया यार? जाना चाहिए था ना मुझे भाई को और भवानी आंटी के साथ, कितना मजा आता। और तू क्या करता वहां? खाना बनाता। तू कब आया? तब आया जब तू आई और यू के बीच में सपनों की भजिया तल रहा था। शराब ऐसे की दिस इज सीरियस। भाई मैं भी सीरियसली बात कर रहा हूँ। भाई तेरे सपनों की भजियों की कसम। सुन मैं एक्चुअली भाई कंफ्यूज्ड हूँ, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई और यू के बीच में जो गुत्थी है तो उसे सुलझाने में और कितना टाइम लगाएगा। मैं भी सीरियसली जवाब दूं? बिल्कुल यार, मैं ना इस बार कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता शेखी। तू तो जानता है मुझे कितना इंपेशेंट हूं, हर बारी गुस्से में ऐसा कोई स्टूपिड सा फैसला ले लेता हूं और फिर खुद ही पछताता हूं। इसे इस बार नो जजमेंट नो गुस्सा, आराम से कामली यू नो लाइक अ मैच्योर पर्सन सब हैंडल करूंगा, प्यार से समझाऊंगा और फिर सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और एक बार डाउट्स क्लियर हो गए ना बस उसके बाद आए और यू कभी अलग नहीं हो पाएंगे। एक मिनट एक मिनट, मेरा भाई विराटी है ना? नहीं भाई, तूने सच में आज जो बात बोली ना मेरे दिल को छू गई। तूने आज तक अपनी लाइफ में इससे अच्छी बात नहीं बोली, ट्रस्ट मी। सीरियसली? अरे आज ये लोग अपनी लाइफ का बेस्ट वड़ा पाव खाने वाले हैं। आती हूँ, सबको तेरा फैन बना के। हर्षा भजिया रेडी हो जाए तो जल्दी ले आना, गरम गरम। तू जा, तू जा, मैं लेके आता हूँ। किसका मैसेज है? ये टिक्की क्यों कर रही है तू? देखा तू, तेरी टिक्की तलना। हर्षा वो पढ़ कर दे। I have the news, guys. Amruta वहाँ पहुँच गई है। Great. अब plan क्या है? तो अब सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगी और कुछ ऐसा करूँगी जिसके बाद भवानी चिटनिस के बनाए खाने की वाहवाही उनकी जगह सही होगी। और हम सब तो अमृता को जानती है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपनी आई की बेइज्जती हर किसने। ओके, उसके बाद? उसके बाद उन्हें लगेगा कि उनकी जो बेइज्जती थी वो सिर्फ खाने तक लिमिटेड थी। और आप दोनों तो प्रियंका बाजवा को जानती हैं, वो हर एक चीज अनलिमिटेड करती है, राइट? तो उनकी इंसल्ट भी अनलिमिटेड होगी।